हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा देख सकते हैं कि टाइम है सुबह 4:40 का और मैं सुबह में उठ के नहा वहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मेरे बच्चों का स्कूल बहुत जल्दी होता है। बस जल्दी आता है, ये देखिए हस्बैंड और बच्चे लोग सोए हैं वहाँ पे और मैं नहा के आ चुकी हूँ। जैसा कि अब मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए बाहर कितना अंधेरा है, ये सुबह का ही टाइम है। कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे मालूम है आप लोग को यकीन होगा, फिर भी मैं अपने क्लियरिटी के लिए बता दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए सुबह का है, मतलब 4:40 का टाइम है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये मेरा ट्राइपॉड पड़ा है, देखिए यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों का रखी हूँ और ये मैं क्रीम वगैरह लगा करके और फिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो ये मैं ट्राइपॉड तो लगाई थी ठीक से, लेकिन पता नहीं लग रहा है थोड़ा सा नीचे लग गया था, क्योंकि चेहरा नहीं आ रहा है मेरा। तो वही मैं सुबह का थोड़ा सा स्किन केयर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना हड़बड़ी में कोई क्या ही स्किन केयर करेगा। तो बस क्रीम और एक सीरम लगाती हूँ मैं और सिंदूर लगाती हूँ और उसके बाद ही जाती हूँ पूजा करने, क्योंकि हमारे में कहा जाता है कि नहाने के बाद सिंदूर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सिंदूर के बिना, सिंदूर और बिंदी के बिना कुछ नहीं। तो पहले सिंदूर और बिंदी ही लगाते हैं, उसके बाद ही एक घूंट भी पानी जाएगा मुँह में, क्योंकि पानी वगैरह नहीं पी सकते हैं बिना सिंदूर लगाए। ये प्रथा है, पहले से चला आ रहा है और इसको मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं इसको मानना नहीं चाहती, मुझे ये ठीक लगता है और मैं मानती भी हूँ इसको, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही मतलब तेज़ दिमाग से थे। जो उस समय बता के चले गए, अब वो साइंटिस्ट भी सिद्ध कर रहे हैं उसको, बता रहे कि हाँ ये सही है। और ये मैं ये वाला क्रीम लगाती हूँ, लोटस का ये है, वाइट ब्यूटी क्रीम है, वाइट ग्लो है, सॉरी वाइट ग्लो क्रीम है, जेल क्रीम है ये। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका, मीन्स बहुत ऑयली भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है उस हिसाब से ये ज़्यादा ऑयली नहीं है। और देखिए लाइट जला दी हूँ मैं कि आप लोग को दिखे इसका नाम। और ये है सीरम, ये भी लोटस का ही है सीरम। तो इसको इसी में मिला के मैं 2 ड्रॉप, बस 2 ड्रॉप लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा है ये। तो आज मतलब वेडनेसडे का दिन है या सैटरडे का, कुछ ऐसा ही डे था, क्योंकि ये वाइट ड्रेस है बच्चों का, वाइट ड्रेस ही आज बच्चे पहन के जाएंगे। और इसमें ना, इस वीडियो में मीन्स ब्लॉग में कुछ पहले का भी मैं एक दिन और का मैं शेयर की हूँ, जो क्लीनिंग रूटीन है मेरा, जो ऐसे मैं घर को, रूम को अपने क्लीन करती हूँ, तो उसका भी थोड़ा बहुत था जो मैं किसी में शेयर नहीं कर पाई वीडियो में, तो मैं सोची इसी में शेयर कर दूँ। और ये देखिए मैं पूजा करने के लिए जाने लगी हूँ सुबह में। तो पूजा करने के बाद, आने के बाद देखिए ये 4:40 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो क्या है कि मैं सुबह में पूजा में मीन्स क्या सूर्य देवता के लिए जल लेके आती हूँ और तुलसी माता के लिए। तो तुलसी माता का तो पूजा कर लेती हूँ, सूर्य देवता का जो जल है वो रख देती हूँ रूम में। जैसा कि देखी हूँ ये आप लोग, मेरे रूम में 2 लोटिया रहता है, तो वो मैं रख करके और इसी में अपने रूम में ही रखती हूँ, मुझे इजी पड़ता है। नीचे किचन है उसका, पूजा रूम का जो है बेसिन वगैरह नीचे है, तो फिर वो नीचे ऊपर बार बार करने को नहीं होता है, इसलिए कभी कभी लेट होता है तो ऊपर से ही जेट चला के मैं पानी ले लेती हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ। इसलिए मैं अपने सुविधा के लिए ऊपर ही रखती हूँ, और अगरबत्ती वगैरह मैं दिखा देती हूँ वो तो ऊपर ही रहता है, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होता। और ये देखिए मैं पंखा चालू साफ़ करने के लिए ये मैं कुर्सी पे चढ़ गई हूँ, जो कि ये कुर्सी आप देख सकते हैं बहुत हिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज खतरों की खिलाड़ी हो गई हूँ और ये मैं साफ़ करके ही रहूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसलिए मुझे लगा कि साफ़ कर देना चाहिए। और पर्दे वगैरह भी धोने के लिए निकाली थी, क्योंकि पर्दे भी तो गंदे हो ही जाते हैं, बहुत डस्ट होता है पर्दों पे भी, तो इसीलिए। और अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को आगे कभी वीडियो मिल सके। और मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं सफाई करने लगी थी और ये मैं हमेशा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई त्यौहार आए तो वो करूँगी मैं 1 महीना 2 महीना बीतता है तो मैं ऐसे सब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत डस्ट होते हैं। जो हमारे इंडिया के घर हैं, सबको पता है कि घरों में बहुत जल्दी धूल मिट्टी आते हैं, बहुत जल्दी कहें या फिर रोज़मर्रा में भी धूल मिट्टी आ जाते हैं,
तो मैं पंखा जो पोछी थी उसको मैं देख रही हूँ कि मतलब ये चला के कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पंखा जब पोछती हूँ तो कोई तार वगैरह उसमें से छूट जाए तो फिर वो नहीं चलता है। इसलिए मैं एक बार ये चला के ज़रूर देख लेती हूँ कि मतलब ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो इसलिए। और ये देखिए, जब ये पंखा पोछ लेती हूँ मैं तो फिर उतार दूँगी ये जो कुर्सी है, और एसी भी पोछूँगी मैं, जो एसी का ऊपर का है सब, तो वो भी मैं पोछ दूँगी, क्योंकि वो भी तो गंदा हो जाता है, बहुत गंदगी होती है, पता नहीं क्यों। या तो छत है, मतलब मेरे रूम के बगल में ही पूरा छत है, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि छत के वजह से भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता हो। और देखिए, ये भी पंखा है जो, इसको भी मैं पोछने लगी थी। ये सुबह 10:30 का टाइम हो रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10:20 का टाइम हो रहा है, तो ये भी पंखा पोछने के लिए मैं चढ़ गई थी। और एक बहुत ही मतलब बुरी खबर, जो मेरी टीवी देख रही है आप लोगों को ये वीडियो में, वो टीवी मेरा ख़राब हो चुका है, बताऊँगी कैसे, लेकिन बहुत नुकसान हो गया मेरा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वो भी मैं बताऊँगी कि कैसे ख़राब हो गया। और ये देखिए, पंखा मैं पोछ रही हूँ, क्या है ना कि ये पोछ लेने पे ना ये थोड़ा सा हवा भी मुझे लगता है कि तेज़ देता है, नहीं तो गंदा हो जाता है तो फिर इसका हवा भी नहीं लगता है ना। ऐसे तो पंखा में मतलब एसी तो चलता है गर्मी भर, लेकिन ना पंखा चलाती हूँ ज़्यादातर ज़मीन सुखाने के लिए, पोछा वोछा लगाती हूँ तो चलता है, या फिर लाइट जब नहीं रहता है तो पंखा चलता है। तो जब हवा ही नहीं लगेगा तो फिर क्या फ़ायदा चलाने का पंखा है, इसीलिए मैं हमेशा ही क्लीन करती रहती हूँ इसको। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं कि क्या जब देखो तब पोछती रहती हूँ, लेके उठ जाती हूँ पोछने के लिए और साफ़ करने के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चीज़ें अपने जगह पे हैं हो ये भी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मेरे पे लगता है ना ही मेरे हस्बैंड है मेरे जैसे स्वभाव के, और मेरे बच्चे लोग भी नहीं गए, क्योंकि वो भी बहुत गु़स्सा करते हैं, उनको भी अब वो जहाँ तहाँ अपनी चीज़ें फेंक देते हैं, मैं उनको ठीक से रखती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये गलत करती हूँ मैं, क्योंकि उनको आदत नहीं पड़ेगा फिर ना अपनी चीज़ें संभाल के रखने की, इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगता है कि जब तक मैं इनसे कहूँगी मैं खुद ही कर लूँगी, अब पता नहीं ये मैं अच्छा करती हूँ कि बुरा करती हूँ समझ में नहीं आता है, लेकिन उन लोग को आदत नहीं है अभी तक, वो जहाँ की चीज़ें वहाँ कभी नहीं रखते हैं, बस यूज किया और वहीं रख के हट गए, ऐसा ही होता है। तो बस, और मैं शायद इसी के लिए कितना डांटती हूँ बच्चों को, तो हस्बैंड को तो क्या डांटूँगी, उनको तो डांट नहीं सकती हूँ, लेकिन बच्चों को तो बहुत ही सिखाती हूँ, डांटती हूँ, लेकिन अभी तक तो असर नहीं हुआ है, देखूँ आगे कि मेरे स्वभाव पे जाएंगे सब कि नहीं। हो सके बचपन में शायद मैं भी वैसी रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे लोग तो, लेकिन मैं अपना सामान बहुत संभाल के रखती थी, कुछ भी नुकसान नहीं होता था मेरा। और ये देखिए, बच्चों के स्कूल से आने के बाद का मेरा रूम का लुक, और मैं कितना क्लीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये बस मैं रिकॉर्ड की हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और ये देखिए, जहाँ का तहाँ सब पे, कभी बैग में रख दी हूँ जगह पे, तो नहीं बैग में नहीं रखा हुआ है, तो बस ये वीडियो यहीं तक का था।